सरकारी स्कूलों में बाल सभा के दौरान घोषित किए परीक्षा परिणाम पाकर खिले विद्यार्थियों के चेहरे। विद्युत लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग, 3 ट्रॉली चारा व 30 से अधिक पेड़ जलकर हुए खाक। दूषित पानी पीने के बाद प्लास्टिक फैक्ट्री के मजदूरों की बिगड़ी तबीयत, बड़ी संख्या में मजदूर एकेश में हुए भर्ती। सरादना चौराहे पर ट्रक से भिड़ी रोडवेज बस, कैबिन में बैठी 6 सवारियां हुई घायल। नमस्कार, जे स्काय बुलेटिन में आपसे मुखातिब हूं मैं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उपखंड अधिकारी जसमीत सिंह संधु ने कहा कि मनुष्य को कभी अपने जीवन में ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। ईर्ष्या भाव से इंसान की प्रगति बाधित हो जाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य बनाकर मेहनत की जावे ताकि सफलता मिल सके। संधु गुरुवार को राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित बाल सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित बच्चों से मुखातिब होते हुए कहा कि हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए तथा समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों की मदद भी लेनी चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस मौके पर एसडीएम ने विद्यार्थियों से सवाल जवाब भी किए। बच्चों ने अपने तरीके से सवालों के जवाब दिए। बच्चों के प्रस्तुतिकरण की सराहना करते हुए संधु ने संतोष प्रकट किया, साथ ही बच्चों को गलतियों से सीख लेने की सलाह दी। अभिभावकों को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि बच्चों पर कभी भी अपनी इच्छाओं को थोपना नहीं चाहिए, केवल बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए उसका सहयोग करें ताकि बच्चा पढ़ाई को बोझ नहीं समझे। इस मौके पर उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए बच्चों को सफलतम लोगों से सीख लेने की सलाह दी। इससे पूर्व एसडीएम संधु तथा अतिथि डॉक्टर एमएस चांदावत तथा आरएस पंचोनी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण के साथ बाल सभा का शुभारंभ किया। बाल सभा शुभारंभ के मौके पर ईश वंदना प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। बाल सभा को संबोधित करते हुए प्राचार्य राजेश जिंदल ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करके साथ परिणाम की चिंता नहीं करने की सलाह दी। बाल सभा के दौरान एसडीएम संधु ने 2 दिव्यांग बच्चों को 48,000 रुपए की सहायता राशि के चेक भी भेंट किए। बाल सभा के दौरान एसडीएम संधु ने परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए कुछ बच्चों को अंक तालिका सुपुर्द करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। बाल सभा के दौरान विद्यालय के राजेंद्र प्रजापति, गुरुचरण गोयल, श्री कृष्ण जांगीर, मुकेश प्रजापति सहित अभिभावक तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। आपको इंटरेस्ट लेना होगा, इसका कोई और आंसर नहीं है। और आपने इंटरेस्ट लिया, सारी प्रकार की टीचिंग सफल हो जाएगी। और आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो बेस्ट से बेस्ट टीचर भी फेल हो सकता है। तो क्या मैं कुछ सवाल पूछूंगा आज? आज क्या सीखा आपने? या सवालों का जवाब छोड़ दिया जाए, एक जनरल भाषण कह के ही आगे बढ़ा जाए। हमें उम्मीद है कल के बेहतर भारत की, और हमें उम्मीद है कि आप ये सब पॉइंट्स जब ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही एक बेहतर भारत का विजन सक्रिय होगा। और अपने आप में एक बहुत ही बेहतर मिसाल है ये कि पहली बार शिक्षा को बच्चों के व्यू पॉइंट से सोचा गया है, ना कि सिर्फ पढ़ाने के व्यू पॉइंट से, टीचिंग के व्यू पॉइंट से ये सोचा गया कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। सभी बच्चे, उनके अभिभावक और शिक्षक उपस्थित रहे, साथ ही इस कार्यक्रम को सम्मेलन प्रदान करने के लिए एसडीएम साहब ब्यावर को हमारे प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभी थोड़ी देर में एसडीएम साहब भी लोगों को बुलाने का तात्पर्य यह है कि आप इस बाल सभा के बाद अपने बच्चों का रिजल्ट लें, शिक्षकों से वार्तालाप करें, साथ ही राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है विद्यार्थियों के कल्याण के लिए, छात्रों के हित के लिए, उन योजनाओं से कम माता पिता को जानकारी मिले कि हमारे बच्चे के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने
चला रखी है और शिक्षा विभाग को निर्देश मिला कि चिकित्सा विभाग से भी संपर्क करें और मीजल्स और रूबेला वायरस जो आज बहुत बड़ी समस्या बन रहा है उसके बारे में डॉक्टर चांदावा साहब हमारे बीच में अमृत कौर चिकित्सालय से बता रहे हैं। निकटवर्ती लामाना गांव स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में दूषित पानी पीने के बाद फैक्ट्री में काम करने वाले 30 से अधिक मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। घटना की जानकारी के बाद अन्य मजदूरों ने 15 से अधिक मजदूरों को उपचार के लिए एक अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया है, जहां पर सभी का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार लामाना स्थित शिवांगी प्लास्टिक फैक्ट्री में लगभग 30 से अधिक मजदूर काम करते हैं। फैक्ट्री में मजदूरों के पीने के पानी के लिए एक होज में टैंकरों से पानी भरवाया जाता है। बताया जा रहा है कि बुधवार को मजदूरों ने से पानी पिया तो सभी मजदूरों की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद मजदूर बुधवार से अपने स्तर पर किसी निजी चिकित्सक से अपना उपचार करवा रहे थे। इस दौरान कुछ मजदूरों की तबीयत में सुधार हो गया, लेकिन करीब 15 से अधिक मजदूरों की हालत में सुधार नहीं होने के बाद गुरुवार को वे राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्हें भर्ती करते हुए उन्हें उपचार दिया जा रहा है। गुरुवार को एकेज पहुंचकर भर्ती होने वालों में ब्रजेश कुमार पुत्र छेदालाल, राजेश पुत्र जगदीश, राजा राजपूत पुत्र शिवप्रसाद, मोहन पुत्र रामनाथ, शैलेंद्र प्रताप पुत्र राजेंद्र, हीराचंद पुत्र चंद्रिका सहित अन्य शामिल है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करने वाले सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तथा सभी लामाना गांव में ही रहते हैं। डूंगी रोड स्थित मेडिया गांव में गुरुवार सुबह विद्युत पोल पर हुए शॉर्ट सर्किट के कारण एक खेत में आग लग गई। आग लगने के कारण खेत में रखा 3 ट्रॉली चारा व 30 से अधिक बम्बूल के पेड़ जल गए। आग लगने की जानकारी के बाद क्षेत्रवासियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग फैलने लगी। इस दौरान किसी ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने पानी की सहायता से आग को बुझाया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए। जानकारी के अनुसार मेडिया निवासी लालाराम पुत्र कानाराम गुर्जर के खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी खेत में रखे चारे पर पड़ गई, जिसके कारण चारे ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग खेत में रखा 3 ट्रॉली चारा तथा खेत में लगे 30 से अधिक पेड़ जल गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सभी खेतों में चारा रखा हुआ है। यह तो गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना गंभीर हादसा घटित हो जाता। पूर्व सरपंच चंपालाल गहलोत ने बताया कि खेतों से गुजर रही विद्युत लाइनों के तार झूलते रहते हैं। इस बाबत विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आग ज़्यादा होने के कारण एक फायर मार्ग और मैं स्वयं लेकर आया हूँ। तो वास्तव में आग काफ़ी लंबी चौड़ी जगह मिली हुई थी और 8 नंबर में 6 से 7 टैंकर हमारे फायर के आगे आग पकड़ पाए। अजमेर विद्युत वितरण निगम की घोर लापरवाही के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है। कई बार हमने भैया इनको लिख के दे रखा है, मौके दे रखा है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे भयंकर आनी चल रही है। इससे शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लगी, जिससे हजारों के नुकसान हुआ किसान के। सभी लाइनें दुरुस्त की जाए, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं हुए। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी लालाराम गुजर के खेत में बाढ़ से, जिससे हजारों नुकसान हुआ, जिससे जान माल की हानि से फायर ब्रिगेड के सहयोग से बच गई। 6 गाड़ियाँ आ गई साहब फायर ब्रिगेड की, फिर भी अभी काबुली हुई है। शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में बुधवार शाम को उपचार के लिए पहुंचे एक रोगी का उपचार शुरू होने से पूर्व ही मौत हो गई। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान रोगी देवलाता निवासी नारायण सिंह पुत्र पूनम सिंह की मौत की पुष्टि होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मृतक के शव को अस्पताल के चिरघर में सुरक्षित रखवाया। घटना की जानकारी के बाद गुरुवार सुबह मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे था। इसे सामान्य मौत बताते हुए पुलिस को पोस्टमार्टम नहीं करवाने के लिए लिखित में दे दिया। मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मी आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही कर ही रहे थे कि थाना अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही परिजनों को सुपुर्द करने के निर्देश दिए। इसके बाद मामला उलझ गया। चिरघर के बाहर परिजन तथा पुलिसकर्मी आपस में उलझ गए। इस दौरान मृतक के परिवार के अन्य सदस्य तथा कई करीबी अस्पताल पहुंच गए। मामला बढ़ता देख विधायक शंकर सिंह रावत तथा भाजपा नेता गणपत सिंह रावत भी चिरघर पहुंचे और मृतक के परिजनों तथा पुलिसकर्मियों से बातचीत की। बातचीत में सामने आया कि परिजन बिना पोस्टमार्टम शव ले जाने की बात कह रहे हैं, जबकि टारगेट
एसएचओ बिना पोस्टमार्टम शव देने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान विधायक रावत ने पुलिस कर्मियों को समझाया कि जब मौत सामान्य है और किसी पर भी किसी भी प्रकार का कोई शक सुबह नहीं है, फिर पुलिस अपनी मनमर्जी से पोस्टमार्टम करवाने पर क्यों अड़ी हुई है। विधायक रावत ने बताया कि जब परिजन किसी शव का पोस्टमार्टम करवाने की बात कहती है, तब तो पुलिस उन पर पोस्टमार्टम नहीं करवाने का दबाव डालती है। जब मृतक के परिजन पोस्टमार्टम ही नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो फिर पुलिस क्यों इस बात पर अड़ी हुई है। मामला बढ़ता देख विधायक रावत ने जिला पुलिस कप्तान से बातचीत करते हुए हस्तक्षेप की बात कही। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक ने टाटगढ़ एसएचओ से बात कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली और सिटी थाना अधिकारी को उक्त प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश के बाद थानाधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा चिरगढ़ पहुंचे तथा मृतक के परिजनों से बातचीत करते हुए आवश्यक कार्यवाही के बाद बिना पोस्टमार्टम करवाए मृतक नारायण सिंह की लाश परिजनों के सुपुर्द की। इस दौरान चिरगढ़ में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। मालूम हो कि बुधवार शाम को पेट दर्द की शिकायत के बाद देवलाता निवासी नारायण सिंह भीम अस्पताल के चिकित्सकों की सलाह पर उपचार के लिए अपने भाई लक्ष्मण सिंह के साथ एकेश ब्यावर पहुंचा। चांगेट से अस्पताल आने के दौरान उसे टेम्पो में एक उल्टी हुई थी। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उसे मृत घोषित कर दिया था। पूरे गांव आ गया, सबने मिलके दे दिया है क्योंकि साहब हमारी प्रकार किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, ना कोई घटना है और ना कोई मर्डर को छुपाना है, ना कोई और कोई घटना को छुपाना है। ये नेचुरल मौत हुई है और कल शाम की हो रखी है। पूरा परिवार गांव बैठा है, गांव के अंदर जब तक वो डेथ बॉडी का दाह संस्कार नहीं होता तो चूल्हा नहीं जलता गांव में। आज कल से शाम को वो सब बैठे हुए हैं पूरे गांव, और सिर्फ थानेदार जी, उनकी पुलिस ने भी आकर के कह दिया कि साहब बिल्कुल बॉडी दे दी हॉस्पिटल ने, इन्होंने लिख के दे दिया साहब हमारे किसी प्रकार का पोस्टमार्टम नहीं कराना, पूरे परिवार ने लिख के दे दिया। जाने के बाद में अब उनको डॉक्टर साहब के पास में गया, डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि नहीं साहब हमें कोई प्रकार की कार्रवाई करनी नहीं, कराने नहीं इनको, ऐसी कोई बात ही नहीं है, नेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ का इशू भी नहीं होता है। पुलिस ने भी दे दी कि ठीक है साहब बॉडी हैंडल करो, बॉडी बाहर निकाल दी, इनको सुपुर्द कर दी, उनके भी कागज में साइन है। अब वो उसके बाद में पुलिस ने अपनी जो हेड साहब ने यहाँ से सूचना दी थानेदार जी को, साहब ये हो गया है बॉडी उनको दे रहे हैं। अरे कैसे दे रहे हो बॉडी को, बॉडी का तो पोस्टमार्टम होना चाहिए, मैं आ रहा हूँ। पहुँचाया गेट पर और अंदर गए और एक लेडी डॉक्टर साहब थी, उन्होंने ये घोषित कर दिया कि इनकी तो डेथ हो गई। इतना मैटर हम समझ रहे हैं और हम पूरे परिवार ये चाहते हैं कि बिना पोस्टमार्टम किए हमें बॉडी मिले और हम अपना अगला कार्य दाह संस्कार का शुरू करें। और सुबह हम आए हैं, पुलिस के द्वारा डॉक्टर साहब के द्वारा हमें बॉडी मिल चुकी है, और मिलने के बाद में जब दीवान जी यहाँ वापस बैक रिपोर्ट देते हैं कि बॉडी रवाना कर दी मैंने लेकर, तो थानेदार साहब ने ये जिद किया कि नहीं बॉडी जाएगी नहीं, बॉडी को वहीं रोको और पोस्टमार्टम होगा। आउट गेट पर गाड़ी पहुंच गई है, वहां से बैक करके वापस बॉडी को उतारी गई और अभी अंदर चीरघर में जमा है। थानेदार जी उनका बेटा है नारायण सिंह, इसलिए जिद कर रहा कि पोस्टमार्टम होगा, और या फिर इनके दिलो दिमाग में ये बात है कि हमें कोई रिश्वत मिले इस बॉडी के पीछे, हम ये चाह रहे हैं। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस बात को समझें और आगे इस थानेदार साहब के पीछे कोई अति उचित कार्रवाई करें। जिसकी आज मृत्यु हो गई थी किसी साधारण कारणों से, उसकी मृत्यु होने के पश्चात उसकी लाश को चिरगढ़ में रखा दिया गया था। परिजनों का कहना था कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, और उस बात को लेकर जो डेड बॉडी सुपुर्द कर दी गई तो उसमें थोड़ा सा व्यवधान होने की वजह से अभी इनको डेड बॉडी सुपुर्द कर दी गई है, और यथावत तौर पर इन्होंने कोई रिपोर्ट दी, उस पर कोई कार्रवाई आ गया इनका। भारत विकास परिषद ब्यावर की ओर से परिंडा लगाओ पक्षी बचाओ अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। इस भीषण गर्मी में पक्षियों के दाना पानी के लिए भारत विकास परिषद द्वारा शहर के विभिन्न जगहों पर पक्षियों के दाना पानी के लिए परिंडे वितरित किए जा रहे हैं। प्रकल्प प्रभारी जुगल किशोर मणिहार ने बताया कि परिंडे लगाओ पक्षी बचाओ अभियान के तीसरे चरण में शहर के ब्रजमोहन लाल शर्मा नगर, गणेशपुरा कटारिया कॉलोनी, टीसी मालानी नगर, महावीर कॉलोनी, विनायकिया कॉलोनी तथा हाउसिंग बोर्ड आदि क्षेत्रों में परिषद के सदस्यों द्वारा 251 मिट्टी से बने परिंडे को घर घर जाकर वितरण किया गया। साथ ही पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को पक्षियों को किस प्रकार से दाना पानी देकर जीवन का संरक्षण किया जा सकता है के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। परिंडा वितरण कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष राजेंद्र काबरा, प्रशांत पाबुवाल, सतीश सर्राफ, जुगल किशोर मणिहार, डॉक्टर लालचंद हेड़ा, अमरचंद
चंद मुंद्रा, राजेंद्र बड़गोती, डॉक्टर एल एन बल्दुआ, राकेश सोमानी, आलोक गुप्ता, संदीप नाहटा, के एल शर्मा तथा मुकेश गर्ग सहित क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम में सहयोग किया। जयपुर से जालौर की ओर जा रही राजस्थान पथ परिवहन निगम की एक बस को सेंद्रा थाना क्षेत्र के सराधना चौराहे पर सेंद्रा की ओर से आए एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण बस में सवार 6 यात्री चोटिल हो गए। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची सेंद्रा थाना पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद अन्य यात्रियों को ब्यावर की ओर से आई रोडवेज की अन्य बसों में बैठाकर गंतव्य की ओर रवाना किया गया। घटना के बाद ट्रक चालक लेकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार सिरोही आगार की बस जयपुर से जालौर की ओर जा रही थी। इस दौरान सेंद्रा थाना क्षेत्र के सराधना चौराहे पर जैसे ही बस मुड़ने लगी, सेंद्रा की ओर से तेज गति से आए एक ट्रक ने बस को चपेट में ले लिया, जिससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे के कारण अजमेर निवासी दिनेश, रामगढ़ झूटा निवासी भंवर सिंह की पुत्री माही, पिंकी, रायपुर निवासी पिंकी पुत्री हुकम सिंह, कांता पत्नी घीसा सिंह तथा गौरव पुत्र पूनम सिंह चोटिल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एकेश लाकर उपचार करवाया गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद बस के अन्य यात्रियों को अन्य बसों की मदद से गंतव्य की ओर रवाना किया गया। टोले से पीछे वाले हिस्से से भिड़ गई थी सर बस, ये ड्राइवर की गलती है। मैं बस के आगे ही था सर, खुला तो आगे से पूरे निकल गया था, पीछे वाले जो हिस्से से वो एकदम ब्रेक लगाए, सवारी भी नुकसान हुआ, सवारी भी लगी सर, 80 ऊपर होगी सर। जलदाय विभाग में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए चल रही अमृत योजना के तहत शहर में पेयजल सप्लाई के लिए आने वाली पानी का हिसाब रखने के लिए तैयार किया जा रहा कंट्रोल रूम स्काडा जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके लिए आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में है। विशेषकर पैनल के लिए आवश्यक विद्युत कनेक्शन भी जारी होने लग गए हैं, जो भी जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे, जिसके बाद कंट्रोल रूम को शुरू कर दिया जाएगा। स्काडा के लिए कंट्रोल रूम का भवन बनकर तैयार हो गया। इस कंट्रोल रूम के जरिए शहर के 25 उच्च जलाशयों को जोड़ा जाएगा, साथ ही वितरण लाइनों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि कितना पानी मिला और वितरण होकर उपभोक्ताओं के नलों से टपका है, साथ ही कितने पानी की छिजत हुई, इसकी भी जानकारी मिलेगी। कंट्रोल रूम के सफल संचालन के लिए 119 पैनल लगाए गए हैं। इन पैनल का मोबाइल सिम के जरिए कंट्रोल रूम से जुड़ाव रहेगा। पानी की आवक वितरण के बारे में कंट्रोल रूम तक डाटा पहुंचेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पास अब तक यह जानकारी तो रहती थी कि शहर को कितना MLD पानी मिल रहा है, लेकिन छिजत की सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब फ्लो मीटर लगने के बाद उच्च जलाशय तक आने वाले पानी, उपभोक्ताओं को वितरण किए जाने वाला पानी एवं नसराबाद पंपिंग स्टेशन ब्यावर को दिए गए पानी के सारे आंकड़े रहेंगे। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद चोरी होने वाले पानी की मात्रा व चोरी होने के स्थान के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं के कनेक्शनों पर भी मीटर लगाए गए हैं। इस काला कंट्रोल रूम से 25 उच्च जलाशयों पर नजर रखी जाएगी। इसमें 25 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर, 47 ब्लफ्लोमीटर, 47 प्रेशर ट्रांसमीटर, 119 पैनल बनाने के साथ 121 मोबाइल कनेक्शन लिए जा चुके हैं और 66 विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 50 कनेक्शन विद्युत विभाग की ओर से जारी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि शेष रहे कनेक्शनों के डिमांड नोट की राशि भी जल्द ही विभाग जमा करवा देगा, जिसके बाद कनेक्शन भी जल्द ही जारी हो जाएंगे, जिसके बाद कंट्रोल रूम की शुरुआत करने की कवायद की जाएगी। टाटगढ़ रोड आशापुरा माता मंदिर प्रांगण में श्री विष्णु महायज्ञ आयोजन समिति की ओर से आयोजित श्री विष्णु यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात गुरुवार से मंदिर परिसर में यज्ञशाला से अभिमंत्रित जल से भरे कलशों का वितरण शुरू किया गया। समिति के सुरेश वैष्णव ने बताया कि गुरुवार को शुरू हुए कलश वितरण कार्यक्रम में कलश यात्रा में शामिल महिलाओं को टोकन के आधार पर कलश वितरित किए गए। वैष्णव ने बताया कि कलश यात्रा के दौरान करीब 3,100 महिलाओं ने शिरकत की थी। समिति की ओर से महिलाओं को टोकन जारी किए गए थे। गुरुवार को पहले दिन करीब 2,000 से अधिक महिलाओं को कलश दिए गए। कलश वितरण कार्यक्रम शुक्रवार को भी जारी रहेगा। कलश वितरण के दौरान ललिता बल्दुआ, दिव्या सोनी, अंजू शर्मा, सुरेश वैष्णव, दामोदर प्रसाद गौड़, ओम प्रकाश माथुर, दंद किशोर सेन, महेंद्र सिसोदिया, नितिन कुमार गौड़, सुगना तंवर सहित अन्य ने सहयोग किया।
शहर के मध्य मेवाड़ी गेट भीतर स्थित सिटी डिस्पेंसरी में चिकित्सक तथा स्टाफ सदस्यों के मनमानी के कारण रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिस्पेंसरी में रोगियों की लंबी कतार लगी होने तथा चिकित्सक के नहीं मिलने के कारण रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को भी डिस्पेंसरी में मरीजों की लंबी कतार लगी होने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पार्षद देवेंद्र सेन डिस्पेंसरी पहुंचे तथा वहां का जायजा लिया तो पाया कि चिकित्सक महोदय ड्यूटी टाइम में आराम फरमा रहे हैं और बाकी स्टाफ इधर उधर बातें करने में मशगूल है। पार्षद सेन के अनुसार डिस्पेंसरी में तैनात डॉक्टर राजेंद्र तापड़िया, सीनियर नर्स संध्या तंबोली तथा शोभा जाट अनुपस्थित पाए गए, जबकि निःशुल्क दवा काउंटर पर कर्मचारी तैनात थे। इस दौरान पार्षद सेन ने AKHPMO डॉक्टर एम के जैन से दूरभाष पर बातचीत कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया, लेकिन डॉक्टर जैन के बैठक में व्यस्त होने के कारण कोई समाधान नहीं निकल पाया। पार्षद सेन ने बताया कि शहर के मध्य होने के बाद डिस्पेंसरी का लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आए दिन चिकित्सक तथा स्टाफ सदस्यों के अवकाश पर होने के कारण रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने PMO तथा उच्च अधिकारियों से डिस्पेंसरी की व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की है। मालूम हो कि कुछ दिनों पूर्व एक महिला डिस्पेंसरी में कार्यरत नर्सिंग कर्मी शोभा जाट पर टीकाकरण की जानकारी चाहने पर अभद्रता करने की शिकायत की थी। शिकायत में नर्सिंग कर्मी शोभा जाट पर महिला को निजी अस्पताल में दिखाने की सलाह देने का भी आरोप था। यहाँ आते हैं तो ना डॉक्टर साहब मिलते हैं ना कोई स्टाफ मिलता है। बच्चों को दिखाने आए तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ना झाड़ू ना बुहारे कुछ भी नहीं होते हैं यहाँ पर। शाम को तो स्टाफ बिल्कुल ही नहीं आता, सुबह को आते हैं और फिर चले जाते हैं, साइन कर करके निकल जाते हैं। अमृतपुर में PO को बोलते वो भी सुनवाई नहीं करता है। डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आए और यहाँ कोई नहीं, डॉक्टर भी नहीं, कर्मचारी भी नहीं है, ना कोई साफ सफाई है यहाँ पे। जब भी आता है यहाँ बंद ही मिलता है, कोई एक आधा मिलता है, ना झाड़ू बुहारी है, बिल्कुल ही जैसे कोई यहाँ आता ही नहीं, ऐसा है यहाँ की हालत है। और डॉक्टर MC जैन के समय में, कांता जैन के समय में फर्स्ट क्लास चलता था ये हॉस्पिटल। ये मोहल्ले वालों को सुविधा मिलती है, सुविधा नहीं मिलती है, सब इधर उधर भटकते फिरते पब्लिक, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस टाइम से ना देख रेख है, कोई बड़ा अफसर भी नहीं आता, कभी कोई चेक नहीं करता यहाँ पे। आया तो मरीजों की लाइन लग रही थी, ना नर्स थी ना डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब का पता लगाया तो वो रेस्ट पे थे और कार्यरत नर्स जो है वो 2 बजे बाद में यहाँ पर उपस्थित नहीं हुई। बाकी जो दवाई देने वाला स्टाफ सारे यहाँ पर उपस्थित थे, मरीज आ रहे जा रहे थे। मैंने PMO साहब से संपर्क किया पर वो मीटिंग में उपस्थित होने के कारण फ़ोन कर दिया। आगे भी ऑनलाइन मैंने कंप्लेन लिखा दी है और मरीज परेशान हो रहे हैं और सिटी के मध्य में सिटी डिस्पेंसरी होने का कोई लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं PMO साहब से आगे भी लिखित में दूंगा कि भाई इस सिचुएशन को सुचारू चलाने के लिए महिला डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, जो यहाँ के आसपास के लोगों को राहत प्रदान मिल सके समय पे। शहर में गुरुवार को भगवा रक्षक परिवार की ओर से शेर ए हिंद महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित महाराणा प्रताप सर्किल पर एकत्रित हुए परिवार के सदस्यों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का दुग्धाभिषेक करते हुए महाराणा प्रताप के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मूर्ति को मालाओं से लाद दिया। दुग्धाभिषेक के पश्चात उपस्थित सभी ने सर्किल के आसपास भव्य आतिशबाजी की। कार्यक्रम के दौरान पृथ्वी सिंह भोजपुरा, सुखदेव सिंह बाघाणा, कपिल कुमावत, योगेश शर्मा, सुमेर सिंह सिसोदिया, पीयूष साकला, खुशवंत यादव, मुकेश माले, हिम्मत सिंह भाटी सहित भगवा रक्षक परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे। सभी हिंदू संगठनों की ओर से मेवाड़ी गेट स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक कर माल्यार्पण कर हम सभी ने यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती मनाई। 9 मई 1540 को प्रातः स्मरणीय हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के दुर्ग में, और जिन्होंने हिंदुत्व की और इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए उस समय की सबसे बड़ी शक्ति अकबर से लोहा लिया और स्वातंत्र्य जीत दीप को सदैव इस राजस्थान की भूमि में जलाए रखा, उन्हीं से प्रेरणा लेकर वियतनाम का युद्ध तक लड़ा गया, ऐसे वीर योद्धा की जन्म जयंती हम यहाँ मनाने के लिए एकत्र आएँ, ताकि आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी भी ये स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, जो स्वतंत्रता अनेक सारे योद्धाओं के बलिदान के पश्चात।
आचार्य रामेश की ओर से प्रतिपादित व्यसन मुक्ति अभियान के तहत समता युवा संघ की ओर से सेंट पॉल स्कूल में व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता नरेंद्र सिंह ने बच्चों को कहा कि पान, गुटखा, धूम्रपान तथा शराब आदि हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर एक मंदिर है जिसमें वैष्णव का समावेश कर उसकी पवित्रता नष्ट न करे। इस दौरान संघ अध्यक्ष प्रवीण जैन ने विद्यालय में उपस्थित लगभग 2000 विद्यार्थियों को व्यसनों से मुक्त रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान सेंट पॉल स्कूल के प्रधानाध्यापक फादर रोनाल्डो लोबो ने विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में महेंद्र लोढ़ा, श्रवण बोहरा तथा सुधीर डेडिया सहित अन्य मौजूद रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सरकारी स्कूलों में बाल सभा के दौरान घोषित किए परीक्षा परिणाम, परीक्षा परिणाम पाकर खिले विद्यार्थियों के चेहरे। विद्युत लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग, 3 ट्रॉली चारा व 30 से अधिक पेड़ जलकर हुए खाक। दूषित पानी पीने के बाद प्लास्टिक फैक्ट्री के मजदूरों की बिगड़ी तबीयत, बड़ी संख्या में मजदूर एकेश में हुए भर्ती। और सरादना चौराहे पर ट्रक से भिड़ी रोडवेज बस, कैबिन में बैठी 6 सवारियां हुई घायल।